लोकसभा में गूंजा आदर्श क्रेडिट सोसाइटी का मामला। संसद में गुरुवार को आदर्श सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटी का मामला गूंजा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक साथियों का हमारे स्टील न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो आपके लिए न्यूज़ लेकर आए दोस्तों, वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले से रिलेटेड है। और दोस्तों, ये न्यूज़ हमें थोड़ी लेट ज़रूर मिली है, लेकिन जो मिली है तो आप तक लाने का हमारा पूरा प्रयास है। तो दोस्तों, ये प्रयास हमने किया आप तक इस न्यूज़ को लाने का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि पूरी न्यूज़ क्या है। संसद में गुरुवार को आदर्श क्रेडिट सोसाइटी का मामला गूंजा। लाहौर सिरोही से भाजपा सांसद देवजी पटेल ने यह मामले उठाते हुए कांग्रेस पर भी निशाने साधे। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस प्रकार इनकी जांच धीमी गति से चल रही है, उससे लगता है कि कांग्रेस नेताओं का भी आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में कुछ हिस्सा है। सांसद पटेल ने एसओजी जांच का हवाला देते हुए बताया कि आदर्श सोसाइटी ने किस तरह से प्रदेश व गांव, गरीब और किसानों को पैसा लूटा है। इसके बावजूद जाँच गति धीमी चल रही है। आदर्श सोसाइटी में जनता का पैसा अपने रिश्तेदारों की कंपनियों में निवेश किया था। सांसद पटेल ने इस मामले को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह दखल दे और सोसाइटी के कार्यकर्ताओं और उन रिश्तेदारों की संपत्ति को अटैच करवा कर गरीब जनता को उनका पैसा वापस दिलाए। बात बता दें कि सोसाइटी में ने पैसा दोगुना करने का लालच देकर जालौर, सिरोही सहित राजस्थान तथा गुजरात की जनता से करीब 14,000 करोड़ रुपये लूटे थे। इस मामले में प्रदेश में काफ़ी हल्ला मच चुका है। बड़ी संख्या में गरीब और किसानों का पैसा सोसाइटी से डूब गया है, जिसमें चलते आर्थिक स्थिति को ज़्यादा ख़राब हो गई है। वहीं उनके भूखों मरने की नौबत आ चुकी है। एसओजी की जांच में सोसाइटी का कार्यकर्ता द्वारा जनता के गाढ़े पैसे की कमाई को अपने रिश्तेदारों की कंपनियों में संपत्तियों में निवेश का भी पता चला है। इसके चलते कंपनी पैसा देने वाले गरीब उन कंपनियों व रिश्तेदारों के संपत्तियों को अटैच करके इसका भुगतान कराने की मांग कर रही है। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। और आपको सचेत करें कि यहाँ पर जो सोसाइटी का मामला सांसद में दिखाया गया है, ये केवल आरोप प्रत्यारोप घड़े गए हैं। इसमें कहीं से कहीं तक आदर्श सोसाइटी के हित में कोई बात नहीं कही गई, उल्टा उसको लूटने और खसोटने और रिश्तेदारों में पैसा लगाने की बात कही गई है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिश्तेदारों की कोई बात अगर करता है तो हमें इस बात से बहुत खेद होता है, क्योंकि यहाँ पर उन सोसाइटियों के जो लेन देन थे, इनके अपने अपने तरीके थे, इनके अपने अपने हिसाब थे, और रिश्तेदारों से ज़्यादा गैरों पर भरोसा नहीं होता। इसलिए इनकी अपनी आपस की जो सोसाइटियाँ इन्होंने खोली थी, उनमें जो बिजनेस इन्होंने अटैच किए थे, वो अपने करीबी रिश्तेदारों से किए थे, ताकि पैसा जो गरीब निवेशकों का पैसा है वो इधर विधर ना हो, सही तरीके से उसका बिजनेस चलता रहे और निवेशकों को पैसा समय पर उसका भुगतान होता रहे। लेकिन सरकार ने जब चिटफंड स्कैम पर एक अपना कानून बनाया था इन कंपनियों को बंद करने का, कि सभी सोसाइटियां और जो चिटफंड कंपनियां इन्हें बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये सरकारी जो बैंक थे उनसे ये पिछड़े हुए थे, तो सरकारी बैंकों को आगे बढ़ावा देने के लिए इन सोसाइटियों पर गाज गिराई गई, इन चिटफंड कंपनियों पर गाज गिराई गई। ऐसा नहीं कि एक सोसाइटी, आदर्श सोसाइटी में कोई गड़बड़ हो रहा था इस वजह से गाज गिराई गई, लेकिन बिना किसी इल्ज़ाम के सोसाइटी को बंद नहीं किया जा सकता था। इसलिए ये सब एक सरकार की ऐसी योजना थी जिसके तहत सोसाइटी बंद की गई। ये एक सोसाइटी नहीं, जाने कितनी सोसाइटियां बंद की गई, क्या सारी सोसाइटियों में गड़बड़ घोटाले ही हो रहे थे, सब अवैध तरीके से धन जुटाए जा रहे थे। सोचने का विषय सिर्फ ये है, बाकी जितनी फिजूल की बातें इस वक्त मीडिया के द्वारा हमें मिल रही हैं वो सब बेकार की बात हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नरेंद्र जोशी एडवोकेट जो हैं, उन्होंने इस वक्त निवेशकों के हितों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, और उनकी कामयाबी
नज़र आ रही है, उनकी मेहनत जितनी है उस हिसाब से उनकी कामयाबी भी उतनी ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आपसे हमारा निवेदन है कि आदर्श सोसाइटी के मामले में एक विश्वसनीय कोई अगर है तो केवल नरेंद्र जोशी हैं, जो सभी निवेशकों के हितों के लिए अपने तन मन धन से लगे हुए हैं और निवेशकों को एक न्याय दिलाने की उनकी जो इस वक्त बहुत बड़ी पहल चल रही है दोस्तों, उसको सराहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि उनका प्रयास एक ऐसा प्रयास है जो निस्वार्थ है और सार्थक प्रयास है। दोस्तों, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि नरेंद्र जोशी जी के इस प्रयास को सार्थक बनाएं और ये न्यूज़ हमारी जो आपको हमने आपको दी है ये पसंद आए तो हमारे एसटी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।